हेलो एवरीवन, वेलकम टू खगपाती टक ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आशा करूँ आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलर थे। आज क्लास रे हमें डिस्कशन करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो मॉक टेस्ट 6। तो आगुरी बहुत गुड़े मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कशन कराई, तो आपण मैंने प्लेलिस्ट जा देखिपर। तो आज रही 30 क्वेश्चन, तो आपण मैंने 30 के मार्क रखुच्च तो कमेंट रे निहाती जणैबे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन देखंतु, केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाए। तो प्रश्न पचारिछि केउ परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाए। ऑप्शन ए रे दिछि शारीरिक, बी रे दिछि आचरणगत, सी रे दिछि जैविक, डी रे दिछि मानसिक। तो राइट आंसर कोटा हबो, या राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी आचरणगत। आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाए, मन रखिए। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही, निम्नलिखित मध्यरु केउटी मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे। तो प्रश्न पचारिछि, तो ए चारिटा ऑप्शन रु कोटा गोटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण नुहे बोली प्रश्न पचारिछि। ऑप्शन ए रे मानसिक विकारमुक्त अवस्था, एटा मध्य गोटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण। तो बी रे मानसिक चाप विहीन अवस्था, एटा मध्य गोटे मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार एक लक्षण। मानसिक तानावस्था, यहाँ मध्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार एक लक्षण। किंतु ऑप्शन नंबर डी शारीरिक और मानसिक सुस्थ अवस्था, यहाँ किंतु मानसिक स्वास्थ्य अवस्थार लक्षण लक्षण नुहे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही, जड़े व्यक्तिर बुद्धियांक 90-110 हेले ताकु केउ वर्गरे रखा जाए। तो प्रश्न पचारिछि, जड़े व्यक्तिर बुद्धियांक 90-110 हेले ताकु केउ वर्गरे रखा जाए। ऑप्शन ए रे दिछि सामान्य बुद्धि, बी रे दिछि असाधारण बुद्धि, सी रे दिछि बेसी बुद्धि, डी रे दिछि साधारण बुद्धि। तो राइट आंसर कोटा हबो, कोटा हबो राइट आंसर, राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी साधारण बुद्धि। माने रखिबे जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 90-110 से पिला को हम कहिबा साधारण बुद्धि संपन्न पिला को आ जाए। माने रखिबे तो सामान्य बुद्धि का को आ जाए, सामान्य बुद्धि का को आ जाए जे पिलार बुद्धियांक परिमाण 80-90 माने रखिबे 80-90 से पिला को हम कहिबा सामान्य बुद्धि संपन्न पिला को आ जाए। तो सेमिति जानिबा हमें असाधारण बुद्धि का को आ जाए, असाधारण बुद्धि का को आ जाए जे पिलार बुद्धियांक परिमाण 140 रु ताठारु अधिक से पिला को हम कहिबा असाधारण बुद्धि बोली कहा जाए। माने रखिबे आउ बेसी बुद्धि तो जानिथिबे, बेसी बुद्धि जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 110 रु 120 जदि थिबो ताको हम कहिबा बेसी बुद्धि संपन्न पिला बोली कहा जाए। तो हमके एथिरे पचारिथिला 90-110 थिल ताको हम कहिबा साधारण बुद्धि। तो राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी हिजबो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो चारिटी ऑप्शन देछि, तो ये चारिटी ऑप्शन रु कोटा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण बोली प्रश्न पचारिछि। ऑप्शन ए रे देछि अनुकरण, बी रे देछि मुखस्थीकरण, सी रे देछि चित्रांकन, डी रे देछि पर्यवेक्षण। तो चारिटी ऑप्शन रु कोटा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण माने रखिबे ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर सी चित्रांकन। एटा होछि गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षा नर एक उदाहरण। कौन कौन आसुच्छे दौड़ा, यहाँ मत गोटे पेशीय कौशल, दौड़ा, पहरवापर आस लेखिबा, लेखिबा मध्य गोटे पेशीय कौशल, चित्रांकन बुझल कि नहीं। तो यह सब हूँ पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही, अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए। तो प्रश्न पचार, अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए बोली प्रश्न पचार। ऑप्शन ए रे स्किनर, बी रे थर्नडाइक, सी रे पावलोव, डी रे कोहलर। तो राइट आंसर कोटा हम, तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी कोहलर। माने रखिबे अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता होती कोहलर। तो स्किनर के मतवाद प्रतिष्ठा करते स्किनर, माने रखिबे जांत्रिक
जांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करते किए स्किनर डी एफ स्किनर के मतवाद प्रतिष्ठा करते जांत्रिक अनुबंध मतवाद प्रतिष्ठा करते तो थर्नडाइक तो जानते थर्नडाइक के मतवाद प्रतिष्ठा करते प्रयत्न प्रमाद प्रयत्न प्रमाद प्रतिष्ठाता किए थर्नडाइक आउ पावलोव 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 के मतवाद प्रतिष्ठा करते मन रखिए सापेक्ष प्रतिवर्त सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद प्रतिष्ठा करते किए पावलोव तो भेरी इंपोर्टेंट रोचे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोहलर अंधदृष्टि शिक्षण प्रवक्ता होती कोहलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निम्ते क्यों शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक निम्ते क्यों शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है ऑप्शन ए रही पर्यवेक्षण बी रही चिन्हटीकरण सी रही आलोचना डी रही वर्णना तो राइट आंसर कौटा हाँ प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक क्यों शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है कौटा होता है पर्यवेक्षण ना पर्यवेक्षण मन रखिए तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मानक पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पारदर्शिता शिक्षण निम्ते केउटी कराजिबा उचित नुहे पारदर्शिता शिक्षण निम्ते केउटी कराजिबा उचित नुहे ऑप्शन ए रही सब सब वर्गर शिक्षार्थी व्यक्तिगत दक्षता को विचार कर शिक्षादान करवा बी रही पुनः शिक्षादान गुरुत्व देवा सी रही मेधावी शिक्षार्थी अधिक ध्यान देवा डी रही शिक्षण सफलता और दुर्बलता को विचार कर शिक्षादान करवा तो कौटा गोटे पारदर्शिता शिक्षण एक उचित नुहे बोली प्रश्न पचार नुहे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षण सफलता और दुर्बलता विचार कर शिक्षादान करवा यहाँ किंतु पारदर्शिता शिक्षण एक उचित नुहे तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्यक्तिर वृद्धि क्यों प्रक्रिया अटे व्यक्तिर वृद्धि क्यों प्रक्रिया अटे ऑप्शन ए रही धारावाहिक बी रही जैविक सी रही शैक्षिक डी रही मनस्तात्विक तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिर वृद्धि यहाँ हूँ गोटे जैविक प्रक्रिया अटे मन रखिए तो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बार रु चौद वर्ष बयस को क्यों अवस्था कह जाए बार रु चौद वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहा जाए ऑप्शन ए रही कैशर अवस्था बी रही प्रांत बाल्यावस्था सी रही आद्य परिणत अवस्था डी रही प्राक कैशर अवस्था तो बार रु चौद वर्ष ताको क्यों अवस्था कह जाए मन रखिए हम कह प्राक कैशर अवस्था कह जाए मन रखिए ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो कैशर अवस्था बयस सीमा के कैशर अवस्था क्यों समय को कह जाए कैशर अवस्था मन रखिए दस रु उन्नीस वर्ष दस रु उन्नीस वर्ष जब थी हम कह कैशर अवस्था कह जाए प्रांत बाल्यवस्था प्रांत बाल्यवस्थार बयस सीमा के मन रखिए छ रु बार वर्ष छ रु बार वर्ष जब थी हम कह प्रांत बाल्यवस्था बोली कह जाए तो आद्य परिणत अवस्था क्यों समय को कहुए आद्य परिणत अवस्था मन रखिए अठर रु चालीस अठर रु चालीस थी हम कह आद्य परिणत अवस्था बोली कह जाए तो बार रु चौद वर्ष बयस को हम कह प्राक कैशर अवस्था कह जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी शिशुर आवेग नुहे तो चारिटी ऑप्शन देती तो शिशुर कौटा गोटे गोटे आवेग आवेग नुहे बोली प्रश्न पचार ऑप्शन ए रही कौतूहल बी रही खेल सी रही आनंद डी रही स्नेह तो कौटा गोटे आवेग नुहे कौटा राइट आंसर या राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेल यहाँ कितु गोटे आवेग नुहे मैंने रखिए तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े साधारण शिशु पांच वर्ष बयस बेलू प्राय कतोटी शब्द हारण करें ऑप्शन ए रही दुई हजार बी रही बैश सी रही चबिश डी रही छबिश जड़े शिशु पांच वर्ष बयस बेलू तो कतोटी शब्द शिखी थाए प्रश्न पचारोटी
कौटा हाँ रईट आंसर मन रखिए रईट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी बाईश शब्द शिखी थाए तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही खेल एक स्वतप्रभुत्व कार्य एक किए कही खेल एक स्वतप्रभुत्व कार्य एक किए कही ऑप्शन ए रही कलबर्ट बीर दे पियाजे सी रही पावलोव डी रही हरलक तो रईट आंसर कौटा हम रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरलक कही खेल एक स्वतप्रभुत्व कार्य एक कही हरलक कही मन रखिए तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुर विकास दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ऑप्शन ए रही सहन शक्ति बी रही चिंता शक्ति सी रही स्मरण शक्ति डी रही सृजन शक्ति तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर ए सहन शक्ति किंतु एम भिन्न विकास दृष्टिकोण तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वृद्धि व वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए ये उक्तिटी कहार वृद्धि व वंशानुगुण मध्य विशेष संपर्क थाए यार कहार मत ए रईट आंसर कौटा हाँ चार ऑप्शन रु ऑप्शन ए रही सिरिल वाट बी रही हरलक सी रही वाटसन डी रही गाल्टन कौटा हाँ रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरलक तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी रईट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षादान आरंभ में शिक्षार्थी पूर्वज्ञान परीक्षा कर शिक्षादान आरंभ में शिक्षार्थी पूर्वज्ञान परीक्षा कराया शिक्षण क्यों नियम उपर आधारित ऑप्शन ए रही फलाफल बी रही अभ्यास सी रही प्रस्तुति डी रही अभिज्ञता तो रईट आंसर कौटा हम शिक्षादान आरंभ में शिक्षार्थी पूर्वज्ञान परीक्षा कर तो यही शिक्षण क्यों नियम उपर आधारित बोली प्रश्न पचार कौटा हम रईट आंसर मन रखिए रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रस्तुति प्रस्तुति नियम उपर आधारित मन रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े प्राथमिक शिक्षक शिक्षादान समय श्रुत लिखन उपर गुरुत्व दिये यादारा शिक्षार्थी कि प्रकार विकास साधित होता है तो प्रश्न पचार जड़े प्राथमिक शिक्षक शिक्षादान समय श्रुत लिखन उपर गुरुत्व दिये यादारा शिक्षार्थी कि प्रकार विकास साधित होता है प्रश्न पचार ऑप्शन ए रही सामाजिक बी रही मानसिक सी रही पेशीय डी रही बौद्धिक तो रईट आंसर कौटा हम तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेशीय ना तो लिखा उपरे हम प्रथम जो गुरुत्व देवा बोले तो पेशीय ही विकास साधित होता है ना तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेशीय तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने निम्ते जड़े प्राथमिक शिक्षक केउंटी उपर गुरुत्व देवे ऑप्शन ए रही पाठ्यपुस्तक बी रही शिक्षा उपकरण सी रही मुखस्थीकरण डी रही आलोचना और वर्णना प्राथमिक शिक्षार्थी मानकर शिक्षणगत दुर्बलता दूर करने निम्ते जड़े प्राथमिक शिक्षक केउंटी उपर गुरुत्व देवे तो रईट आंसर कौटा हम रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी आलोचना और वर्णना उपरे गुरुत्व देवे तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी एकक पाठ्य योजनार उपादान नुहे तो चारिटे ऑप्शन देती तो कौटा गोटे एकक पाठ्य योजनार एक उपादान नुहे बोली प्रश्न पचार ऑप्शन ए रही मुख्य धारणा बी ए देती उपधारणा सी ए देती उपकरण डी ए देती श्रेणी परिचालना तो कौटा गोटे एकक पाठ्य योजनार उपादान नुहे कौटा नुहे श्रेणी परिचालना नुहे मैंने रखिए तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुख्य धारणा उपधारणा उपकरण यह सब हूँ एकक पाठ्य योजनार गोटे गोटे उपादान किंतु श्रेणी परिचालना किंतु नुहे तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सृजनशीलतार सूचक नुहे तो चारिटे ऑप्शन देती तो कौटा गोटे सृजनशीलतार एक सूचक नुहे बोली प्रश्न पचार ऑप्शन ए रही चिंतन बी रही मेलन सी रही विश्लेषण डी रही संश्लेषण तो कौटा गोटे नुहे तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेलन यटा कि सृजनशील सृजनशीलतार सूचक नुहे चिंतन विश्लेषण संश्लेषण यह सब हूँ सृजनशीलतार सूचक तो रईट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूल्यायन दृष्टिकोण केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न ऑप्शन ए रही रेटिंग स्केल बी रही प्रोग्रेस कार्ड सी रही चेकलिस्ट
ढेर दे प्रश्नगुच्छ। तो राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर ही ऑप्शन नंबर बी प्रोग्रेस कार्ड तो मानू भिन्न अच्छी मूल्यायन दृष्टिकोण रु तो राइट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए क्योंटी द्वारा शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए ऑप्शन ए रही वार्षिक परीक्षा बी रही एकक परीक्षा सी रही निदानात्मक परीक्षा डी रही कर्मोन्नति परीक्षा। तो राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी निदानात्मक परीक्षा रे निदानात्मक परीक्षा रे शिक्षार्थी शिक्षणगत दोष दुर्बलता परिमाप करा जाए था। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सह संपर्कित नुहे ऑप्शन ए देसी सामग्रिक शिक्षण परिमाप बी देसी चारि पांच विकल्प उत्तर थाए सहजरे मूल्यायन करी हुए डी देसी परीक्षा परिचालना सहज हुए कोडा नुहे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिचालना सहज हुए यहाँ किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक संपर्क नुहे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। प्रवेशिका परीक्षा के प्रकार मूल्यायन अंतर्भुक्त प्रवेशिका परीक्षा तो यहाँ गोटे के प्रकार मूल्यायन अंतर्भुक्त ऑप्शन ए रही सामग्रिक बी रही नैदानिक सी रही पाठनति क्रमिक डी रही व्यवस्थान। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थान प्रवेशिका परीक्षा यहाँ हूँ व्यवस्थान प्रक्रिया एक मूल्यायन। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी अभिप्रेरणा सह संपृक्त नुहे तो प्रश्न पचार चारिटे ऑप्शन रु कौटा गोटे अभिप्रेरणार एक संपर्क नुहे प्रश्न पचार ऑप्शन ए रही शिक्षण प्रक्रिया सक्रिय हुए बी रही शिक्षार्थी सह शिक्षण में आग्रह प्रदर्शन कै सी रही शिक्षण पर प्रेरणा और शक्ति मिलता है डी रही चिंतन और स्मरण शक्तिर विकास घटे तो कौटा गोटे अभिप्रेरणार संपर्क नुहे। तो राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी चिंतन और स्मरण शक्ति विकास घटे यहाँ किंतु अभिप्रेरणार संपृक्त नुहे शिक्षण प्रक्रिया सक्रिय हुए यहाँ अभिप्रेरणार एक संपर्क शिक्षार्थी सह शिक्षण आग्रह प्रदर्शन करे शिक्षण पर प्रेरणा और शक्ति मिलता है यह सब हूँ अभिप्रेरणार संपृक्त किंतु चिंतन और स्मरण शक्ति विकास घटे कि गोटे अभिप्रेरणार एक संपृक्त नुहे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े शिक्षार्थी शिक्षादान समय वास्तव वस्तु उपरे निर्भर करुच्ची शिक्षण दृष्टि यह शिक्षार्थी के प्रकार लक्षण अटे ऑप्शन ए रही मानसिक असुस्थता बी रही मानसिक अनग्रसरता सी रही मानसिक अस्थिरता डी रही मानसिक तानावस्था। तो राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानसिक अनग्रसरता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर बुद्ध्यांक प्राय केते प्रतिभाशाली विद्यार्थी मानकर बुद्ध्यांक प्राय केते ऑप्शन ए दिछि 90 रु अधिक बी दिछि 100 रु अधिक सी दिछि 120 रु अधिक डी दिछि 130 रु अधिक। तो राइट आंसर कोटा हबो ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी 130 रु अधिक ताको हम कहिबा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को आछे। तो राइट आंसर हुछि ऑप्शन नंबर डी हिजबो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि क्यों पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हट करा जाय पारे क्यों पद्धति द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हट करा जाय पारे ऑप्शन ए दिछि लब्ध ज्ञान परीक्षा बी दिछि शिक्षादान व प्रदर्शन सी दिछि वंशानुगुण डी दिछि व्यक्ति विवरणी विश्लेषण। तो राइट आंसर कोटा हबो ए राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति विवरणी विश्लेषण द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकु चिन्हट करा जाय थाए। तो राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंकि शिशु कैंद्रिक शिक्षादान संपर्कित नुहे तो चारिटी ऑप्शन रु तो कौटा गोटे शिशु कैंद्रिक शिक्षादान एक संपर्क नुहे प्रश्न पचार ऑप्शन ए रही शिक्षण अनुभूति गुरुत्व प्रदान बी रही सामग्रिक विकास उपर गुरुत्व प्रदान सी रही स्व अध्ययन उपर गुरुत्व प्रदान डी रही श्रेणी शिक्षादान उपर गुरुत्व प्रदान। तो राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रेणी शिक्षादान उपर गुरुत्व प्रदान यहाँ किंतु शिशु केंद्रिक शिक्षादान एक संपर्क
नुहे। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों पाठ्यक्रम उपरे जॉन ड्यू गुरुत्व देथिले। क्यों पाठ्यक्रम उपरे जॉन ड्यू गुरुत्व देथिले। ऑप्शन ए दिछि शिशु केंद्रिक, बी रे दिछि प्रकल्प, सी रे दिछि अभिज्ञता भित्तिक, डी रे दिछि अनुबंध भित्तिक। तो राइट आंसर कोटा हबो, तो राइट आंसर हिजबो ऑप्शन नंबर बी प्रकल्प। प्रकल्प पाठ्यक्रम उपरे जॉन ड्यू गुरुत्व देथिले। तो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी हिजबो राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन रही क्योंटी मौलिक शिक्षार सूचक। तो चारिटे ऑप्शन दे, तो चारिटे ऑप्शन रो कोटा गोटे मौलिक शिक्षार सूचक। ऑप्शन ए दे तत्व भित्तिक, बी दे कर्म भित्तिक, सी दे प्रकल्प भित्तिक, डी दे विषय केंद्रिक। तो ये राइट आंसर कोटा हबो, ए राइट आंसर हिजिव ऑप्शन नंबर बी कर्म भित्तिक। मौलिक शिक्षा रे कर्म भित्तिक शिक्षा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। तो राइट आंसर हिजिव ऑप्शन नंबर बी हिजिव राइट आंसर। थैंक यू।